वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज हम एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी का स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है मोड। अब पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही आया कि सर मोड का मीनिंग क्या है। तो डियर स्टूडेंट, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप जो हैं स्लीपर्स की और शूज की आप अपने एक फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कि अगर आप शूज की भी अगर आप फैक्ट्री डाल रहे हैं तो उसमें भी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप जो है किस साइज के शूज आप प्रोड्यूस करोगे। बेसिकली आपका फोकस कहाँ रहने वाला है, क्योंकि एक जो है शूज जो है 6 महीने के बच्चे से लेकर के आपको जो है 25-30 साल तक के लोगों का जो है साइज अपना जो है बहुत ज्यादा वेरी करता है। तो आपको सबसे पहले यह डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप जो है किस साइज पे या फिर बच्चों पे या फिर जो यंगस्टर है उनके ऊपर या फिर आप फीमेल के ऊपर, और फीमेल का भी अपना साइज डिफरेंट होता है। तो बेसिकली आप किस साइज के ऊपर आप काम करें तो आप जाहिर सी बात है आप उसी नंबर ऑफ साइज पे आप ज्यादा फोकस करेंगे जो लोगों के पास में सबसे ज्यादा साइज होगा। क्योंकि अगर आपने एक ऐसे साइज पर काम कर लिया जो कि बहुत रेयर मिलता है, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो कि 7 फुट के हैं या फिर 6.5 फुट के हैं और उनका पैर का साइज भी एक बाकी कंपेटिवली बड़ा ही होता है, और आप उस साइज पे काम करते हैं तो ठीक है आप काम कर सकते हैं, लेकिन वहां पर हो सकता है कि अभी क्वांटिटी उतनी नहीं बिक पाए अगर आप सिर्फ उस पे ही फोकस करते हैं। तो जनरली एज अ प्रोड्यूसर मैं तो यही चाहूंगा कि जो सबसे ज्यादा कॉमन हो, सबसे ज्यादा साइज लोगों का हो, मैं उसके ऊपर काम करूं, जिससे कि आगे हर साइज पे हम जाएंगे बट पहले प्रायोरिटी मैं अपना फोकस अपने रिसोर्सेज को मैं वहां लगाऊं जहां से कि मेरी जो है डिमांड ज्यादा रहे और मैं सेल्स ज्यादा कर पाऊं। तो अब सवाल है कि मुझे पता कैसे लगेगा कि किस साइज को सबसे ज्यादा लोग बेयर करते हैं। तो बच्चे इसी को हम कहते हैं मोड, कि कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोड। तो इस चीज का फाइंड करना कि कौन सा डेटा सबसे ज्यादा पॉपुलर है या कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार रिपीट है, किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसी को हम मोड कहते हैं। तो हम आप आज की क्लासेस में इसी टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन बच्चे मुझे बस अभी क्लास के बाद का टाइम दीजिएगा, मैं अभी आपका अपडेट करवा देता हूं, अपलोड करवा देता हूं। हां जी, फॉर एग्जाम्पल द मोड ऑफ द सेट्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं इसमें जैसे कि 3 कितनी बार है, एक इंडिविजुअल सीरीज की मैं बात कर रहा हूं, एक इंडिविजुअल सीरीज में अगर आपको मोड निकालना है, बहुत सिंपल वे है आपके लिए, ये आपका डेटा है, ठीक है, ये आपका एक्स है। अब देखिए डेटा सबसे ज्यादा बार डेटा कौन सा है आपका, एक्स है आपका, 3, 4, 4, 4 2 बार है, 5, 6, 7, 7 सबसे ज्यादा बार कौन है, तो देखिए सबसे ज्यादा बार कौन है आपका, 7 है। 7 कितनी बार आपका आया, 3 बार आया। तो यहां पर बेसिकली आपका जो मोड है वो क्या रहने वाला है, मोड आपका जो है, इस पर तो कोई सा कलर चलाना बड़ा डिफिकल्ट है, येलो इस पर यही चलेगा। तो बच्चे यहां पर आपका मोड क्या है, कितनी बार रिपीट हो रहा है वो मैटर नहीं करता, पर सबसे ज्यादा बार रिपीट होना चाहिए, कौन सा डेटा ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, 7। तो ये आपका मोड यहां पर 7 है। तो चलिए आपको आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं मोड से कि मोड किसे कहते हैं। अब जैसे यहां पर आप क्वेश्चन देखेंगे कि आपके पास में डिस्क्रीट सीरीज है और डिस्क्रीट सीरीज में आपको यहां पर मोड निकालना है। तो फॉर एग्जाम्पल द ये आपका डिस्क्रीट सीरीज है, ये एक्स है आपके पास में, ये वाई, मतलब कि आपके पास में बेसिकली क्या फ्रीक्वेंसी है। वो बच्चा बार बार गलत कर रहा है इस चीज को, मैं देख लेता हूं एक बार। ये क्या आपका एफ है, फ्रीक्वेंसी। तो सर देखिए सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 3 की है ना, तो आपका मोड क्या हो गया यहां पर, आपका मोड यहां पर 3 हो गया, 3 बेसिकली आपका मोड है। तो इस तरीके से आप अपना मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पर्सन, जैसे आप यहां पर देखेंगे मोड इन द फॉलोइंग डेटा मेथड ऑफ ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग मेथड क्या होता है इस बात को समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। खैर इंट्रोड्यूस तो मैंने कर दिया आपको कि मोड क्या होता है, लेकिन आप बात करते हैं ग्रुपिंग मेथड की, कि ग्रुपिंग मेथड किसे कहते हैं, मेंशन होगा पेपर में ग्रुपिंग मेथड से कैलकुलेट करो। तो बच्चे ग्रुपिंग मेथड में ना टोटल कुल मिलाकर के आपको यहां पर 6 कॉलम होगा, एक तो फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी के 6 कॉलम होंगे,
कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। हाँ जी, ग्रुपिंग मेथड में आपको टोटल 6 कॉलम होते हैं। एक तो फ्रीक्वेंसी अपने आप में कॉलम है, तीन कॉलम हो चुका आपका, एक दो तीन, ये चौथा कॉलम है और यहां पर ये आपका 6 कॉलम हो गए टोटल। देखो बच्चे, तो ये आपके पास में जो फ्रीक्वेंसी की बने, ये आपके पास में फर्स्ट कॉलम है ग्रुपिंग मेथड में। एक आपका सेकंड कॉलम यहां बनेगा और सेकंड कॉलम में क्या होगा कि आपके पास में सेकंड कॉलम में आप दो दो को आप ऐड करेंगे, दो दो को, जैसे ये दो है ना, दिस वन फ्रीक्वेंसी, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो गया आपके पास में 10। अब फ्रेश टू लेने हैं, उसी को लेने, फ्रेश टू लेने हैं, दिस वन ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 15। और यहां पर आपके पास में इसको आप ऐड करेंगे दिस वन तो क्या आपका आ गया, इसको ऐड करेंगे आप 42। दिख रहा है आपको? दिख रहा है। और यहां पर इसी तरीके से आप इसको ऐड करेंगे तो 29। अब आप इसको यहां पर ऐड करेंगे तो ये है आपके पास में 4। क्लियर है? अब आप यहां देखेंगे फर्स्ट और ये आपके पास है सेकंड, अब आपके पास में थर्ड, थर्ड अगर आप देखेंगे यहां पर तो आपके पास में फर्स्ट का तो फर्स्ट कॉलम कौन सा होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है वही फर्स्ट कॉलम होता है। सेकंड कैसे बना, दो दो को ऐड करके, तो सेकंड का है ना सेकंड कॉलम, मतलब दो दो को वाले दो कॉलम बनेंगे, एक तो ये बन गया। अब एक छोड़ दो बाकी इस तरीके से 7 और 6 13, अब उसके बाद 9 और 20 29, और उसके बाद 20 और 24 22 और 24 46, और उसके बाद 5 और 3 8, और नीचे एक का दो का नहीं बन रहा ना, उसको छोड़ दो आप, 8 रहा आपका ये। क्लियर है बच्चे? तो एक का एक कॉलम जो ऑलरेडी ये बनता, दो दो फ्रीक्वेंसी को लेकर के दो कॉलम, दो को लेकर के एक का एक दो का दो, कैसे स्टार्टिंग है दो 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 दो, अब एक छोड़ करके फिर बाकी दो ऐसे चला दो, लेकिन फ्रेश होना चाहिए। ये नहीं क्या ये दो लिया फिर इसी को अगले से कनेक्ट कर दिया, नहीं। अब दो दो के दो तो हो चुके, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे तीन के कॉलम, अब क्या करेंगे हम तीन के कॉलम, तो कॉलम नंबर 3 जिसमें हम क्या चलाएंगे, तीन वाले कॉलम चलाएंगे। तीन के सॉल्व करते, तीन कॉलम के हमारे पास में 7 6 13 और 3 16, क्योंकि तीन वाले में तीन लेंगे हम। उसके बाद 9 20, मतलब 10 और 20 30, और ये 2 50 और 2 51, 51 मतलब कि दिस वन, क्योंकि आपके पास में इसको 10 मान लीजिए 30 हो गया, और 30 और 20 50, 2 52 और 1 माइनस कर दो 51, अब ये 3 24 और 5 29, 29 और 3 32, तो तीन वाले तीन कॉलम बनेंगे। व्हाइट ही सबसे बेटर लग रहा है मेरे को तो, इसमें देख लेते कॉलम नंबर 4। और 4 में क्या रहेगा बच्चे, वही एक छोड़ दो तो 7 6 13 13 और आपका 9 22,
उसके बाद फिर आपके पास में 20 और 22, 42, 42 और 20 आपके पास में, 62, 62 और 4 आपका 66, 5 3 8 और 1 9, तो आपके पास है फोर्थ, हो गया ना आपके पास में फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फोर्थ था, ये फिफ्थ था, आप सिक्स सही है। थोड़ा मैं इसको इरेज कर देता हूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मेरे पास में फोर्थ, ये फिफ्थ, अब मैं सिक्स कॉलम बना रहा हूं। दो का तीन तीन का ले लिया था मैं, 16, ठीक है, हाँ एक छोड़ के हमने बना दिया ना इसमें सात करके, ठीक है बच्चे। अब क्या करेंगे हम यहां पर, पहले तीन का स्टार्टिंग से ले लिया, फिर एक छोड़ के ले लिया, अब उसके बाद फिर अब दो छोड़ देंगे, दो छोड़ देंगे मतलब ये और ये छोड़ देंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो 15 और आपका 20, तो आपके पास में 35, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको लेंगे, तो आपके सॉरी इसको लेंगे, इसको लेंगे, तो आपके पास में 20 और 20 40 और 44 और 46, 46 और 5 51, क्लियर है बच्चे। अब मैं फिर से रिपीट करता हूं, बेसिकली मैंने क्या करा उसको ध्यान से सुनिएगा। हम मोड निकालने के ग्रुपिंग मेथड के ऊपर हैं, और मोड निकालने का ग्रुपिंग मेथड किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे मैं बात उसकी कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपके पास में एक क्वेश्चन होगा, जैसे कि आप सीरीज देख पा रहे हैं कि आपका डिस्क्रीट सीरीज है, जिसमें कि आपके पास में डेटा है और उसकी फ्रीक्वेंसी है कि 56 इंच वाले कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 58 इंच वाले कितने हैं, 7 हैं, और 59 वाले 6 हैं, तो फ्रीक्वेंसी है। तो जो ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये सबसे पहले फर्स्ट कॉलम होता है आपका। अब उसके बाद हम सेकेंड कॉलम बना रहे हैं, तो दो फ्रीक्वेंसी को लेके बनाएंगे, और सेकेंड कॉलम बना रहे हैं ऐसे दो कॉलम बनेंगे सेकेंड वाले, तो पहले ये दोनों, फिर फ्रेश टू, ये दोनों, फिर ये दोनों नहीं, ये दोनों और ये दोनों नहीं, ये दोनों, फिर फ्रेश टू, फ्रेश टू, फ्रेश दो डेटा, फ्रेश दो डेटा, ठीक है। ऐसे हमने बना लिया सेकंड कॉलम, बट सेकंड कॉलम तो दो वाले दो बनेंगे, तो अगला बनाएंगे कैसे, बस एक छोड़ दो, फिर से दो दो एज इट इज लेते हुए चलो। अब इसका साथ दो नहीं है, इसको छोड़ दो, एक को नीचे बना दिया आपने, दो वाले दो, अब तीन वाले बनाएंगे, दो वाले दो कॉलम खत्म, अब तीन वाले बनाएंगे। तीन वाले कैसे, वही स्टार्टिंग के तीन ले लेंगे, फिर फ्रेश थ्री ले लेंगे, फिर फ्रेश थ्री ले लेंगे, जब उसका नहीं बन रहा तीन के साथ, तीन का ग्रुप तो छोड़ देंगे उसको, फिर अब तीन वाले तीन ग्रुप बनाने हैं, एक ही तो बनाया अभी, उसका एक छोड़ देंगे, फिर तीन ले लेंगे, फिर तीन, फिर तीन, अब फिर उसका एक और बनाएंगे, फिर उसका दो छोड़ देंगे। तो इस तरीके से आपका एक वाला मतलब फ्रीक्वेंसी अपने आप में एक कॉलम है, दो वाले दो बना देने हैं, और तीन तीन फ्रीक्वेंसी को लेकर के तीन बना देने हैं। तो इस तरीके से टोटल कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपके हो जाएंगे, आपके सिक्स कॉलम्स यहाँ पर हो जाएंगे। क्लियर है बच्चे, ये बात आपको समझ में आ गई। अब सबसे पहले आप देखेंगे कि फर्स्ट, अगर आप इसको ग्रुपिंग मेथड में लेके जा रहे हो, तो थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूं, एक ही पेज पे हो जाए तो बेटर है। हां जी बच्चे, अब आप यहां देखें, ग्रुपिंग मेथड में दो काम करते हैं, एक तो हम डेटा लिख देंगे इस पे, क्योंकि जरूरत क्या, सबसे पहले देखिए क्या करो, आप डेटा लिख दो आप अपने, सबसे पहले इंचेस, तो आपके पास में क्या क्या है, 56, 58, 59, 60, 61, 68 तक, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 एंड 68। और कॉलम कितने हमारे पास में, कॉलम हमारे पास में 6 है, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम,
थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स कॉलम, और यहां पे क्या आएगा, टोटल। ठीक है, तो अब हमारे पास में बस अब इनको ड्रॉ कर लीजिए आप। ये हो गया, फिफ्टी सिक्स, फिफ्टी सेवन, फिफ्टी सिक्स, फिफ्टी एट, फिफ्टी एट, फिफ्टी नाइन, सिक्सटी, सिक्सटी वन, सिक्सटी टू, सिक्सटी थ्री, सिक्सटी फोर, सिक्सटी फाइव, सिक्सटी सिक्स, सिक्सटी सेवन एंड सिक्सटी एट। ये कुछ इस तरीके से ग्रुपिंग मेथड, वो मेथड सीख लोगे इजीली है, आ जाता है भाई पेपर में कई बार। लेकिन स्टैट्स में एक चीज है कि आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं, कारण ये है क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेटर की कैलकुलेटर आपका रहता है, तो बड़े बड़े कैलकुलेशन में एरर नहीं होता है, और जो एक सिंपल फॉर्मूला है वो लगाओ और अपना आंसर निकालो। बाकी थ्योरी सब्जेक्ट में तो आप 100 करके आ रहे हो, आप कुछ भी नहीं कह सकते कितने उसमें मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर 50% ही मिले तो आपका परसेंटेज बहुत डाउन हो गया, इसमें 70% मिल गए तो बाकी दो पेपरों का आपको पार कर देगा ये। चलिए अब मैं यहाँ पे कुछ डेटा की बात करता हूँ, आइए फर्स्ट कॉलम की। तो हाइएस्ट क्या फर्स्ट कॉलम है भैया, फर्स्ट कॉलम में हाइएस्ट हाइएस्ट पर फोकस करते हैं, 24 जो कि 63 है फर्स्ट में, तो फर्स्ट में 63, 24 63 है, इसका मैं लाइन कर देता हूँ दिस वन। हाँ जी, तो सेकंड कॉलम में हाईएस्ट क्या है, सेकंड कॉलम में हाईएस्ट है भैया 46, 46 किसके आगे है, 62 से 63, 62 और 63 तक है, क्लियर है, 62 से 63 तक सेकंड में, 62 और 63 ये है हाईएस्ट। थर्ड कॉलम में हाईएस्ट क्या है आपके पास में, थर्ड कॉलम में आपका हाईएस्ट है भैया आपके पास में 46, कितने डेटा को लेकर बना रहा है, तीन डेटा को, सॉरी दो डेटा को लेकर बना रहा है ये, 62 एंड 63, तो अभी हुआ था ना हमारा 61 एंड 62 था, एक सेकेंड होल्ड करूं। कॉलम टू में हाईएस्ट क्या है हमारा, 42 जो 61 एंड 62 था, 61 एंड 62 था फर्स्ट में, सेकेंड में, और थर्ड में हमारा हाईएस्ट क्या है, थर्ड में हमारा हाईएस्ट है भैया 46 जो कहां से कहां तक है, 46 62 से 63, 62 से 63, क्लियर है बच्चे। अब मैं बात करता हूं यहां पर कि हमारे पास में थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फोर्थ कॉलम भी किसका है हमारे पास में, अब यहां पे तीन का है हाईएस्ट का, 51, 51 कहां से शुरू हुआ, 51 पहले तीन पे तो ये होगा, ये यहां से हुआ होगा 51, हाँ तो 60 से 62 है फोर्थ में, 60 से 62 है, ठीक है बच्चे। तो अब उसके बाद हमारे पास में फिफ्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम में हमारे पास में क्या डेटा है, 66, 66 हमारे पास में है, तो ये एक और ये दो, ये दो मतलब 61 से 63 तक, 61 से 63 तक, और उसके बाद हम बात करते हैं सिक्स कॉलम, तो कौन सा है आपका 51, तो लास्ट के तीन 63 से 66, 63 से 60, 63, 64, 65, 63 से 66 तो नहीं हो सकता ना, लास्ट वाले में दिस वन, एक दो, 62 से 64 था, 62 से 64, 62 से 64, ठीक है क्लियर है। अब यहां पर आपके पास में हाईएस्ट कौन सा हुआ आपका सबसे ज्यादा, तो यहां तो आपके पास में ये आपका एक ही हुआ टोटल, ये एक दो तीन, और ये आपका एक दो तीन चार पांच, और ये आपके पास में
एक दो तीन चार और यक्रस में एक, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? पांच। तो कौन सी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? 62। तो यहां पर आपका जो मोड है वो क्या आया? आपका मोड जो है वो 62 है। यही आपका क्या है? फाइनल आंसर है। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग मेथड। 65 और 66 नहीं है, कोई बात नहीं, उसको मैं रखा भी नहीं, नहीं है कोई बात, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो गलती से हो गया बट उसका फर्क भी नहीं पड़ेगा। हाँ जी, तो आंसर क्या है मेरा? 62 मेरा क्या है? फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चे, तो मोड क्या हुआ हमारा? हमारा मोड हुआ 62, हमारा आंसर है। क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया? पता है 65 और ये सारी चीजें नहीं थी तो, बट कोई बात नहीं, ये समझ में आपको आ गया कि आखिरी के तीन में कौन से थे हमारे पास में? ये एक, ये दो, 62 से 64 तक। ठीक है, क्लियर है? तो 62 हमारे पास में हाईएस्ट जिसकी फ्रीक्वेंसी, वही हमारा आंसर है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड। इस मेथड को अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो। अब मैं कंटिन्यू सीरीज की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आप जरा इस ग्रुपिंग मेथड को देख लीजिए एक बार। सर थर्ड कॉलम दोबारा बता दो। ठीक है, देखो थर्ड कॉलम देखो, देखिए बच्चे क्या हुआ। फर्स्ट कॉलम क्या है? जो गिवन है फ्रीक्वेंसी वही है। सेकंड कॉलम, सेकंड सेकंड की बात कर रहा हूं, दो फ्रीक्वेंसी लेना और ऐसे दो कॉलम बनाना, तो कॉलम नंबर टू, कॉलम नंबर थ्री। दो फ्रीक्वेंसी लिया, ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो, फिर ये दो। अब अगले में भी दो लेना है, तो अब वही चीज लेंगे तो फिर वही कॉमन चीज आ जाएगी। इसको एक को छोड़ दो पहले को, फिर वही दो, फिर दो, फिर नए दो, फिर नए दो, फिर नए दो, हो गया। अब आपके पास में दो के दो फ्रीक्वेंसी के दो कॉलम बन चुके, खत्म। अब उसके बाद आगे आप तीन फ्रीक्वेंसी लो और ऐसे तीन कॉलम बनाने हैं, तो पहले तीन, फिर नए तीन, फिर नए तीन, फिर एक छोड़ करके फिर तीन, फिर दो छोड़ करके फिर तीन, तीन का ऐसे। और आपको फिर टेबल कैसे बनाना है? जो डेटा है उसको आप एज अ हॉरिजॉन्टल, आप जो है ऐसा रो वाइज रखें, और जो आपके पास में कॉलम है उसको आप इस तरीके से रखें, कॉलम को आप A1 2 3 करके रखें और आप डेटा को ऐसे रख दें। ठीक है, और इसमें आप देखें कि फर्स्ट में जो हाईएस्ट है उसमें मार्क करें, सेकंड में जो हाईएस्ट है उसमें मार्क करें, और मार्क करके इनका टोटल कर दें, और सबसे ज्यादा किसके पास में वो डेटा ही आपका आपके लिए क्या रहने वाला है? मोड रहने वाला है। तो यहाँ पर 62 में 62 आपका क्या मोड है? क्लियर है बच्चे? डन बच्चों, चलिए ये क्लियर है ग्रुपिंग मेथड। तो एक बार आपके पास में कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला मैं आपको लेकर के आऊंगा फॉर्मूले पे। दो मेथड होते हैं ग्रुपिंग मेथड। सबसे पहले आप यहां देखें कि मोड इक्वल्स टू एल, एल मतलब एक इंटरवल सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसमें आपके पास में क्या रहेगा? लोअर लिमिट, एन मतलब उस इंटरवल का जो गैप चल रहा है वो, और F1 माइनस F0, और नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो ऊपर है F1 माइनस F0, नीचे F1 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब ये क्या चीजें हैं? अब F किसे कहते हैं वो सब तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जैसे एक क्वेश्चन है, ये 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, एक कंटिन्यूस सीरीज है आपका, क्योंकि इसमें जो डेटा है वो एक आपका रेंज में गिवन है। ऑलरेडी मैं इस पर डिस्कशन कर चुका हूं कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कंटिन्यूस सीरीज है, और कंटिन्यूस सीरीज में पांच टाइप्स के पार्ट्स होते हैं। उसका जो है एक्सक्लूसिव पार्ट है ये, और एक्सक्लूसिव पार्ट हमें चाहिए भी होता है, एक्सक्लूसिव पार्ट ही चाहिए होता है मोड निकालने पे। तो एक्सक्लूसिव पार्ट हमारे पास में है भी तो कोई इशू नहीं है। अब एक काम करो, पहले ग्रुपिंग मेथड पे आप ले जाओ उसको, पहले तो मैं डायरेक्ट तरीका भी बता देता हूँ, बट बाय यूजिंग ग्रुपिंग मेथड कैसे करेंगे मैं उसकी बात करता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट तरीका आपके पास में क्या होने वाला है कि एक इसका जो फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, इसमें देखें सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? 8, 7, 16, 24, 15, 7। तो वो क्लियर कट मामला है,
यूजिंग ग्रुपिंग मेथड कह रहा है, नहीं कह रहा है, तो सीधा आपके पास में ये फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है तो ये इंटरवल हो गया। अब इसके अंदर आपके पास में एल क्या रहने वाला है, इसके अंदर आपका एल जो है वो 24 रहने वाला है, ठीक है। एल क्या रहने वाला है इसके अंदर आपका, इसके अंदर आपका एल जो है वो 24 रहने वाला है। आई क्या रहने वाला है आपका, आई मतलब इसको एन भी कह रहे हैं हम, इन जो गैप है, आई क्या रहने वाला है आपका, हर किसी में आठ आठ का गैप है, आठ गैप है, तो आपके पास में यहां पर आठ आपका आई है, ठीक है। और आपके पास में जो ये आपका फ्रीक्वेंसी है इसको हम बोलेंगे एफ वन, ऊपर वाले को हम बोलेंगे एफ जीरो, नीचे वाले को हम बोलेंगे एफ टू, ठीक है। तो मेरे पास में एफ जीरो कितना है 16, एफ वन क्या है 24, और एफ टू क्या है मेरे पास में, एफ टू मेरे पास में 15। क्लियर है बच्चे? अब यहां पर अगर आप देखते हैं, अभी वेट कर लीजिए, 7-8 मिनट है। अब हमारे पास में जो है मोड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर आप मोड इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला था आपके पास में, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो, नीचे भी आपका एफ वन माइनस एफ जीरो सेम टू सेम, माइनस एफ टू कर दो बस आगे, और इसके आगे टू कर दो, बस इतना ही ध्यान रखना है, और इन टू आई, ठीक है बच्चे। अगर अब आप इसको यहां पर सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, मोड इक्वल्स टू क्या करेंगे आप, एल, एल क्या है हमारे पास में 24 प्लस एफ वन, एफ वन क्या है 24 माइनस एफ जीरो क्या है 16 अपॉन टू एफ वन 24 एफ जीरो 16 और एफ टू, एफ टू क्या है 15 और इनटू आई, आई क्या हमारे पास में 8। तो सॉल्व करते हैं हम यहां पर मोड, तो 24 प्लस, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 24 में से आपके पास में 16 गया, तो कितना बचा आपके पास में 8, ठीक है, क्लियर है। और यहां पर आपके पास में डिवाइडेड बाय, अब यहां सॉल्व करते हैं अगर आप, तो आपके पास में 24 गुणा 2 48, 24 गुणा 2 48 माइनस 31 17 इंटू 8, तो मोड इक्वल्स टू, मोड इक्वल्स टू आपका 24 प्लस क्या जाएगा आपका 64 डिवाइडेड बाय 17, 3.76 इक्वल्स टू क्या होगा आपका 27.76। बात समझ गए, क्लियर है बच्चे? तो ये कंटिन्यू सीरीज में आपको क्या आ गया, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, चलो हाँ दिख तो रहा है। तो आपके पास में क्या आ गया, ये आपका मोड आ गया। लेकिन अगर बाय यूजिंग ग्रुपिंग मेथड क्या देता ना, अगर आपसे ग्रुपिंग मेथड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, वो तो फ्रीक्वेंसी से बना रहे थे ना पहले, अभी भी फ्रीक्वेंसी से ही बनाएंगे, इसका कंटिन्यू से कोई लेना देना नहीं है। तो पहले आप फ्रीक्वेंसी से आप पूरे के पूरे 6 कॉलम, एक खुद है 5 और कॉलम, मतलब 2 वाले 2 3 वाले 3, तो आप 6 कॉलम क्रिएट करते, डेटा को आप उसी तरीके से लिखते, और फिर उसके बाद आपका ये सेलेक्ट होता, फिर उसके बाद फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करते। खैर अगर आपको यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि भैया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो आप लगा सकते हो, बट बाय यूजिंग ग्रुपिंग मेथड क्या दे अगर आपसे, तो कैसे होगा। जैसे मान लीजिए ये खैर आपके पास में है, मैं नेक्स्ट क्लासेस में इसी क्वेश्चन को मैं आपको ग्रुपिंग मेथड को यूज करके बताऊंगा कि हम मोड कंटिन्यू सीरीज में कैसे निकालेंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम इसको कंटिन्यू सीरीज को भी पूरी तरीके से फिनिश करेंगे, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस को भी हम अटेम्प्ट करेंगे, तो मोड हमारा फिनिश हो जाएगा, फिर हम डायग्राम पे चले जाएंगे, ठीक है बच्चे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।